महिलाएं अपने हाथों में किस लिए पहनती हैं चूड़ियाँ? चूड़ियाँ पहनने के धार्मिक कारण क्या हैं? चूड़ियाँ पहनने के वैज्ञानिक कारण क्या हैं? इन सभी प्रश्नों को अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में ये प्रश्नों के आंसर को बताया गया है। अगर इन प्रश्नों के आंसर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। महिलाएं अपने हाथों में इसलिए पहनती हैं चूड़ियाँ। चूड़ियाँ महिलाओं के श्रृंगार का एक मुख्य हिस्सा है। महिलाओं के हाथ में चूड़ियाँ उनके सुहागिन होने का प्रमाण होता है। वैदिक युग से ही महिलाएं अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनती आ रही हैं, इसलिए हिंदू देवियों की तस्वीर और मूर्तियों में उन्हें चूड़ियाँ पहनते हुए दिखाया जाता है। चूड़ियाँ पहनने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी छिपा हुआ है। चूड़ियाँ पहनने के धार्मिक कारण। देवी पूजन में दुर्गा माँ को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इन 16 श्रृंगार में चूड़ियाँ भी होती हैं। इसके साथ ही चूड़ियों को दान करने से भी पुण्य की प्राप्ति भी होती है। बुद्ध देवी का आशीर्वाद पाने के लिए महिलाओं को हरी चूड़ियाँ दान में दी जाती है। चूड़ियाँ पहनने के वैज्ञानिक कारण। वैज्ञानिक दृष्टि से चूड़ियाँ जिस धातु से बनी होती हैं उसका उसे पहनने वाली महिला के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यानी चूड़ियाँ पहनने के धार्मिक महत्व के साथ उनके वैज्ञानिक फायदे भी हैं। ये फायदे निम्न प्रकार से इस प्रकार हैं। पहला फायदा यह है कि चूड़ी हाथ में घर्षण करती है, जिससे हाथों का रक्त संचार बढ़ता है। दूसरा फायदा है, हाथों में चूड़ी पहनना सांस के रोगों और दिल के बीमारी की आशंकाओं को घटाता है। तीसरा फायदा यह है कि चूड़ी पहनने से मानसिक संतुलन बना रहता है। तभी महिलाएं अपने काम को बड़े ही निष्ठा भाव से करती हैं। चौथा फायदा यह है कि विज्ञान के अनुसार चूड़ियों का घर्षण ऊर्जा बनाए रखता है और थकान को मिटाने में सहायक होता है, यह थकान को दूर रखता है। पांचवा फायदा यह है कि विज्ञान का मानना है कि कांच की चूड़ियों के टकराने से निकलने वाली ध्वनि से वातावरण में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। छठवां लाभ यह है कि कलाई के नीचे से लेकर 6 इंच तक में जो 1.5 पॉइंट्स होते हैं, इनके समान रूप से दबाने पर शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बनी रहती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें व एक छोटा सा कमेंट करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम इस चैनल पे ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो लेकर आते रहते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।